HTML responsive. तो आज हम स्टडी करेंगे कि रिस्पॉन्सिव वेबसाइट HTML फाइल में कैसे बनाई जाती है। अभी HTML फाइल में बहुत इजी हो चुका है सब चीज़ें कि कैसे आप रिस्पॉन्सिव साइट बनाते हो। तो उन्होंने बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि हमने लास्ट चैप्टर में देखा था कि हेडर, नेविगेशन, ये वो चीज़ें खुद ने लॉन्च की हुई है, तो उसके लिए हमें अलग से कुछ CSS डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती और वो खुद एक रिस्पॉन्सिव भी है। तो आज हम देखते हैं कि एक रिस्पॉन्सिव वेबसाइट कैसे बनाते हैं। हम स्टेप बाय स्टेप चले जाते हैं, जैसे कि मैंने अभी यहाँ पे एक ड्यू क्लास डिफाइन किया है, उसको फ्लोट लेफ्ट दिया है, उसके बाद मार्जिन दिया है 5 पिक्सल, उसके बाद पैडिंग दिया हुआ है, उसके बाद विड्थ उसका मैक्सिमम विड्थ डिफाइन किया हुआ है, हाइट डिफाइन किया हुआ है, और अभी बॉर्डर कलर, ये सब चीज़ें हमने डिफाइन की है एक ड्यू को। और एक अभी बॉडी में वो ड्यू डाल देते हैं। देखिए हमने एक सिंपल एक ड्यू डाला हुआ है, उसको एक H2 टैग डाला, मतलब हेडर टैग डाला है। और अभी एक पैराग्राफ डाल देंगे और पैराग्राफ में कुछ कंटेंट लिखेंगे। हमारे पास एक्चुअली अभी कुछ टाइप के कंटेंट नहीं है, तो हम एक वेबसाइट से कंटेंट उठाते हैं। ड्यू को वो क्लास असाइन किया हमने, अभी प्रोफाइल में से एक हम पैराग्राफ उठा लेते हैं जो हमें चाहिए। और ये दूसरा पैराग्राफ, ये हमने एक ड्यू असाइन किया, उसके बाद ये हेडर डाला, उसके बाद ये पैराग्राफ डाला। देखिए अब ये पैराग्राफ 6 पैराग्राफ दिख रहे हैं, हमारा कंटेंट ज़्यादा हो गया और हाइट कम पड़ गया, तो मैं उसका हाइट बढ़ा देता हूँ। ठीक है, अभी हो गए हैं हमारे 6 आप देखिए अभी जैसे जैसे उसका साइज बढ़ रहा है वो उस एक के नीचे का, इसको बोलते हैं रिस्पॉन्सिव। मतलब आप जिस ब्राउजर पे जाओगे, वो टैबलेट से ओपन करते हो, तो अभी इसके लिए उसको पता कैसे चले कि कौन सा है, तो हमें मेटा में एक लाइन ऐड करनी है। मतलब हमने लास्ट चैप्टर में उसको ट्रिक किया था व्यूपोर्ट, ये हम डाल दिया मेटा टैग में। तो व्यूपोर्ट में हम डाल देते हैं कि वो कंटेंट कैसे, इसके विड्थ डिवाइस और विड्थ। तो जब आपका ये पेज लोड होता है तो वो मेटा टैग के थ्रू रीड कर लेता है कि वो टैबलेट से आ रही है, मतलब मोबाइल से आ रही है, डेस्कटॉप से आ रही है, लैपटॉप से आ रही है, उसका स्क्रीन साइज़ वो स्टडी कर लेता है और उसके हिसाब से वो हमारे
साइट रिस्पॉन्सिव बना लेता है। ये चीज़ रिस्पॉन्सिव के एंगल से बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमें डालनी ही डालनी है। ये नहीं डालते हैं तो ब्राउज़र रिटर्न नहीं कर पाएगा कि आपकी वेबसाइट किस डिवाइस से आई है और उसको कैसे दिखाना है। देखिए अब हमने ये डाला तो देखिए जैसे जैसे हम साइज बढ़ाते हैं उसका तो ये उस तरह से दिख जाएगी, इसको बोलते हैं रिस्पॉन्सिव। यहाँ से आपको ज़्यादा क्लियर नहीं होगा लेकिन जैस आप सेम यूज करके किसी टैबलेट से ये वेबसाइट देखोगे तो आपको ये रिस्पॉन्सिव पता चल जाएगी। मतलब ये रिस्पॉन्सिव में क्या होता है कि हमने जो भी एक ड्यू डाला होगा वो ड्यू में कुछ पैराग्राफ डाले होंगे तो जैसे ही आप ये उस स्क्रीन साइज से वो एक्सेस होता है तो वो कोई स्क्रीन साइज पे हमारे 6 ड्यू दिखेंगे, कई स्क्रीन साइज पे 2 दिखेंगे, कई पे 3 दिखेंगे, ऐसा है। ये है रिस्पॉन्सिव।